हेलो एवरीवन सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइट द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था तो पहले इनके सॉल्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं ठीक है देखिए फर्स्ट इज अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स अब्लिकली इन टू तो मान लीजिए कि वॉटर हमारे पास यहाँ पर इस तरह से वाटर है और रे ऑफ लाइट इस पे एक एंगल बनाती हुई एंटर करती है मतलब परपेंडिकुलर इसके सरफेस पे नहीं आ रही एंगल पे आ रही है ठीक है तो हमारे पास ये नॉर्मल हो जाएगा दिस इज द नॉर्मल या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस अब जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली एंटर कर रही है एयर से वाटर में तो एयर कैसा एक रेर मीडियम क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और वाटर इज अ डेंसर मीडियम क्योंकि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो जब भी हम रेर से डेंसर में एंटर करते हैं लाइट किसकी तरफ मुड़ती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ठीक है तो ऐसे जाने की जगह थोड़ा बेंड हो जाएगी तो यहां पर आप बोल सकते हो कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों क्योंकि आप बोलते हो कि हम रेरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रहे हैं या इसको हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग प्रूव कर सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर ये क्या होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर तो विद रिस्पेक्ट टू एयर वाले को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं ठीक है तो ये हो गया म्यू ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अब देखिए म्यू ऑफ वाटर कितना होता है अब प्रीवियस हमने यहां पर ये टेबल में किया था वाटर का होता है 1.33 और एयर का होता है अप्रॉक्सिमेटली वन ठीक है तो ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 1.33 मतलब साइन आई तो इसको वन पॉइंट अपॉन वन मान सकते हो कि साइन आर की वैल्यू कम है और साइन आई की वैल्यू ज्यादा है तो साइन जो एंगल बनता है जितना एंगल बढ़ता जाएगा उसकी साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि साइन जीरो इज जीरो और साइन 91 वन होता है ठीक है तो जीरो से 90 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती ही जाती है तो इसका मतलब वो कि आई जो है ये ग्रेटर है आर से तो आर कम तभी हो सकता है जब आपकी लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर रही हो ठीक है तो आप इसको लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट वन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एयर से ग्लास में जा रही है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 पॉइंट फाइव नाउ वट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट डिफाइन की गई है थ्री इंटू टेन इज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है तो इसके लिए भी हम यहां पर सिंपल लॉ यूज करेंगे ठीक है तो हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम एम तो यहां पर ये यह मीडियम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ग्लास तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जिसको हम सी ले लेते हैं अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ठीक है इसको हम वी ले लेते हैं तो वी का मतलब क्या है ये वेलोसिटी है ग्लास में तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी हो जाएगी सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि वन है और c की वैल्यू है थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट डिवाइड बाई वन पॉइंट फाइव तो यह आ जाएगा टू इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है तो क्या हुआ जो लाइट थी वो स्लो डाउन होगी कितनी थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट से घटके टू इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड हो गई ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल कि मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और सबसे कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका है तो, तो आप टेबल से बता सकते हैं सबसे ज्यादा इस टेबल में वैल्यू है डायमंड की 2.42 और सबसे कम होता है टेबल में तो एयर का दिया गया पर सबसे कम होता है वैक्यूम का दैट इज वन एयर का तो स्टिल वन है बट वैक्यूम इज एब्सोल्यूटली वन देन यू आर गिवन कैरोसिन टर्पेटाइन एंड वॉटर किसमें लाइट सबसे फास्ट जाएगी तो सबसे फास्ट लाइट उसमें ट्रेवल करेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा तो कैरोसिन टर्पेन्टाइन और वाटर में देखिए कैरोसिन टर्पेन्टाइन और वाटर में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है तो वाटर में लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल करेगी देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इसका मतलब हुआ कि डायमंड में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी कितनी कम हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी हो जाएगी? c अपॉन 2.42 ठीक है तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वैक्यूम में थ्री इंटू टेन बेज टू पावर एट से घटके डिवाइडेड बाय मतलब सी डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो इस तरह से आप ये पांच क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अब लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर स्पीड चेंज होने से बेंडिंग हो रही है तो स्पीड चेंज होने से ऐसा क्या होता है कि लाइट को बेंड ही होना पड़ता है लाइट सीधी सीधी क्यों नहीं जा सकती पहले फास्ट चल रही थी अब स्लो हो गई तो जब दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो वो स्लो ही क्यों होती है तो उसको समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशन है यहाँ आप रोड पे चल रहे थे और ये कीचड़ आ गया ठीक है सडनली तो रोड को हम मान सकते हैं कि ये एक रेयर मीडियम है और जो मड है वो एक डेंसर मीडियम है ठीक है तो जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि होता क्या है ठीक है तो ये हमारे पास दो टायर्स हैं जो इसके थ्रू कनेक्टेड रॉड के थ्रू कनेक्टेड हैं अब जैसे ये दोनों आगे की तरफ चल रहे हैं अब पहले तो ये दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे ठीक है इस तरह से पहले ये यहाँ थे फिर थोड़ी उतनी देर में दोनों यहाँ पहुँच गए अब जैसे ही ये एंगल पे कीचड़ में एंटर करेंगे जो ये नंबर वन टायर है ये कीचड़ में जल्दी एंटर करेगा तो ये स्लो हो जाएगा ठीक है अभी टू रोड पे ही है रोड पे होने की वजह से उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होगी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा जो जितनी डिस्टेंस जितने टाइम में वन यहाँ तक पहुँचा है उतने ही टाइम में टू थोड़ा आगे पहुंच चुका होगा तो टू जो है वो थोड़ा हो सकता है यहां तक पहुंच चुका हो तो अब इनके सेंटर को आप कनेक्ट करते हो तो ये इस लाइन के ये जो है इसके पैरल लाइन की नहीं ये लाइन थोड़ी बेंड कर चुकी है तो इसका मतलब अब आपकी जो ये अब एक बार दोनों टायर जब कीचड़ में एंटर करके अब तो ये इसी लाइन के पैरल ऐसे ही चलेंगे पर उससे पहले इनकी डायरेक्शन कुछ और थी अब इनकी डायरेक्शन कुछ और है तो ये रीजन होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने पे स्लो डाउन होती है अब इसी गाड़ी को अगर मैं आपसे कहूं परपेंडिकुलर एंटर करना है ठीक है दोनों टायर इस तरह से चल रहे हैं अब ये दोनों एक ही टाइम पे कीचड़ में एंटर करेंगे तो दोनों की स्पीड एक ही समय पे कम होगी तो इनको किसी भी तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं है ठीक है ये आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं दो टायर लेके या दो छोटे से रिंग मेटल वायर के टायर बना के उनको सेंटर से कनेक्ट करें और या उसके एक भी और अच्छा आइडिया है आपके पास एक छोटा ड्रम होगा ठीक है एक ड्रम है ड्रम को लेके आप कीचड़ में ऐसे रोल कर सकते हैं तो जो एंड कीचड़ में जल्दी एंटर करेगा वो स्लो डाउन हो जाएगा दूसरा एंड थोड़ा फास्ट चल रहा होगा तो ये फास्ट की वजह से थोड़ा सा घूम जाएगा ठीक है तो अब आपका ड्रम थोड़ा ऐसा आ जाएगा ठीक है तो ड्रम की रोलिंग से आप ट्राई कर सकते हैं कार जैसी एक टायर कीचड़ में एंटर करता है कार थोड़ी सी स्किड होकर घूमती है वो भी सेम है तो ये रीजन है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पे क्यों बेंड करती है और एग्जैक्ट जो इसके रीजंस हैं वो आप हायर क्लासेस में हाइगन प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे वेव फ्रंट्स तब आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा अब नेक्स्ट हम कुछ एनसीआरटी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं देखिए पहली प्रॉब्लम पूछी गई द इमेज फॉर्म कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल कॉनकेव मिरर कैसा होगा इस तरह का ठीक है ये हमारे पास कॉनकेव मिरर आ गया ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है तो किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो वर्चुअल है वर्चुअल भी है इरेक्ट भी है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भी है ये कब होता है नॉर्मली तो कॉनकेव मिरर की जो इमेज बनती हैं वो कैसी बनती हैं दे आर रियल एंड इन्वर्टेड पर वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर का मतलब है वर्चुअल का मतलब है कि ये इस वाले एरिया में बन रही है बिहाइंड द मिरर तो वो तभी होता है जब आप प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में मतलब इस एरिया में कहीं पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है तो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ठीक है तो ये एक्टिविटी हमने प्रीवियसली की है प्रीवियस लेक्चर्स में तो आप इसको कर भी सकते हैं कि यहां पर अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा किसी भी हाइट का ऑब्जेक्ट यहां पर ले लेते हैं तो इसकी जब आप रे डायग्राम बनाते हैं तो इन रेज को कनेक्ट करने पे के लिए आपको मिरर के पीछे ही जाना पड़ता है ठीक है तो ये प्रीवियस लेक्चर से ये देख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है आई थिंक हमने लेंस तो अभी नहीं पढ़ा है तो लेंस तो मे बी हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो अभी इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं ठीक है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं देखिए थर्ड क्वेश्चन इज नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर कि आप मिरर से कितने भी दूर खड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इमेज जो है हमेशा इरेक्ट सीधी ही नजर आती है तो ये कौन सा मिरर है क्या यह प्लेन मिरर है या ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स है या प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों है देखिए प्लेन मिरर में आप जितने भी दूर खड़े रहो कभी भी आपकी इमेज उल्टी नहीं बनती तो प्लेन तो इसका आंसर डेफिनेटली होगा कॉनकेव में क्या होता है जब तक आप पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में नहीं हो तब तक आपकी इमेज इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है ठीक है जब आप पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में आते हो तब जाके आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है जो कि वर्चुअल होती है सीधी होती है मतलब इरेक्ट होती है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है मतलब मैग्निफाइड होती है पर कॉन्वेक्स मिरर में जो कि गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में लगे होते हैं आपको पीछे कितने भी दूर गाड़ी आ रही हो वो हमेशा सीधी ही दिखाई देती है तो कॉन्वेक्स और प्लेन दोनों मिरर में हमें इमेज इरेक्ट ही दिखाई देती है चाहे कितने भी दूर हो या कितने भी नजदीक हो ओके okay? तो ये हो गए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टवर्ड तो रियल एंड अपेरेंट डेप्थ देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कैसा क्यों होता है क्योंकि इस टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको मैंने एक इमेज दिखाई थी जहां पर एक स्विमिंग पूल में कार गिरी हुई थी तो आपको उसमें देखने पे लग रहा था कि स्विमिंग पूल की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो कभी भी आप तालाब में जाते हैं स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि पानी उतना गहरा दिखता नहीं है जितना गहरा होता है तो अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स शेलोअर देन इट इज ठीक है कि पानी हमेशा कम गहरा ही दिखाई देता है या पानी में गिरी हुई कोई भी चीज पानी के अंदर आपको अगर मछली देख रहे हैं तो आपको लगे ये बहुत नजदीक है सरफेस से जबकि वो पानी में थोड़ा गहरी होती है ठीक है अब इसका रीजन क्या है देखिए यहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है ये रे जैसे ही वाटर से वापस एयर में जाएगी तो एयर रेरर मीडियम है वाटर इज अ डेंसर मीडियम तो वाटर से एयर में जाने पे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया अब ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब नॉर्मल से बाहर की तरफ बेंड कर रही है इसलिए हमारी आईज को ये बेंडिंग समझ नहीं आती तो हमारा ब्रेन क्या समझता है कि ये रे कहां से आ रही होगी तो हमारा ब्रेन इस रे को वापस ट्रेस करता है कि ये कहाँ से चली होगी हमारे ब्रेन को लगता है कि ये एग्जैक्टली exactly पीछे जाया जाए तो ये रे कुछ यहाँ से आ रही है ठीक है और दूसरी रे को ट्रेस करें तो ये कुछ यहाँ से आ रही है तो हमें लगता है कि जो इमेज है वो कुछ इस पोजीशन पे बन रही है पर जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो इस पोजीशन पे था उससे आने वाली दो रेज ऐसे आ रही थी उसके बाद बेंड होने की वजह से ये हमारे आईज पे ऐसे पहुंच रही हैं तो जो भी इमेज हमें दिखाई देगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से थोड़ा ऊपर ही दिखाई देगी तो ये है रियल डेप्थ ठीक है और ये है अपेरेंट डेप्थ तो आपको लगेगा कि ये तालाब इतना गहरा है जबकि रियलिटी में ये ज्यादा गहरा है तो ये रीजन है तो ये जो रे डायग्राम है ये आपको एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है ठीक है आपके सिलेबस में हो चाहे नाउ दैट इज नॉट अ इंपॉर्टेंट थिंग पर आपको यह प्रैक्टिस करना है कि क्यों हमें पानी कम गहरा दिखाई देता है किसी भी तालाब में या पूल में ओके okay? ये एक एप्लीकेशन होगी रिफ्रैक्शन की सेकंड देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ड्रॉ टू रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ फिश कि पानी में कोई मछली है उससे दो रेज आपको ड्रॉ करनी है ठीक है टू शो वेयर सम वन ऑन द बैंक विल सी द फिश कि मान लीजिए अगर कोई किनारे पे खड़ा है तो उसको मछली कहाँ पर दिखाई देगी और वेयर मस्ट द पर्सन एम टू स्पीयर द फिश और उस मछली को पकड़ने के लिए या आप मान लीजिए किसी भी पॉइंटेड रॉड uh, से उसको मतलब किसी स्पीयर से ठीक है भाले से मतलब उस पे एम करना चाहते हैं उसको पकड़ने के लिए तो आपको किस डायरेक्शन में एम करना चाहिए तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड क्वेश्चन है देखिए अब हम किनारे पे नहीं भी खड़ा हो आदमी मान लीजिए यहाँ पर ये यह पानी में आप खड़े हैं तो आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में जो मछली है वो यहाँ पे है ठीक है दिस इज द रियल पोजिशन ऑफ फिश पर क्योंकि मछली से आने वाली जो लाइट रे हैं वो सर्फेस पर आके बैंड हो रही है तो बैंड होने की वजह से अब इसी रे को हम पीछे ट्रेस करते हैं तो ये यहाँ पहुँचती है तो हमें लगता है कि मछली यहाँ पे है रियलिटी में मछली कहां थी उससे थोड़ा सा नीचे थी और थोड़ा आगे थी तो आप अगर जहां पर आपको दिखाई दे रहा है ठीक है आपको दिखाई दे रहा है यहां पे। अगर आप इसके अकॉर्डिंग एम करेंगे तो आप कभी मछली नहीं पकड़ पाएंगे तो आपको एम थोड़ा आगे और नीचे की तरफ लेके करना पड़ेगा अगर आप इस डायरेक्शन में थोड़ा एम करेंगे तभी आप मछली को पकड़ सकते हैं ठीक है तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कहां से देख रहे हैं जबकि अगर आप यहां से देख रहे होते ठीक है सपोज बिल्कुल परपेंडिकुलर से तब आपको मछली की जो पोजीशन थी वो काफी ज्यादा एक्यूरेट दिखती ठीक है कंप्लीटली एक्यूरेट तो मैं नहीं कहूंगा बट स्टिल आपको उसकी पोजीशन काफी ज्यादा एक्यूरेट दिखाई देती ठीक है तो उसकी पोजिशन में उतना ज्यादा एरर नहीं आएगा तो ये सारे के सारे जो फिनोमिना है ये होते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज तो अब लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे ठीक है लेंसेज को सबसे कॉमनली आपने देखा होगा कि जब किसी ने भी पढ़ने के लिए स्पेक्स लोग यूज़ करते हैं आप में से भी काफ़ी बच्चों को स्पेक्स लगी होती हैं तो जो स्पेक्स का जो ग्लास है वो कैसा होता है ठीक है कभी आपने देखा है उसको टच करके या कभी भी आप चश्मे बनवाने के लिए दुकान पे गए हो तो उनके पास जो लेंस होता है जिससे वो ग्लास बनाते हैं वो कैसा होता है क्या वो बीच से और साइडों से बराबर उसकी थिकनेस होती है या उसकी थिकनेस बीच में ज्यादा होती है साइडों में कम होती है तो ये आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि लेंस यूनिफॉर्म थिकनेस के नहीं होते लेंस की जो थिकनेस है वो कहीं पे ज्यादा होती है कहीं पे कम होती है ठीक है जनरली लेंस कुछ इस तरह से होते हैं ठीक है एक जैसे कि बीच में ज्यादा थिकनेस होगी साइड पर थिकनेस कम होगी एक लेंस कुछ इस तरह के होते हैं कि बीच में थिकनेस कम होती है साइड पे ज़्यादा होती है तो ये दो मेन कैटेगरीज हैं मेन कैटेगरीज लेंसेज की तो ये स्फेरिकल लेंसेज होते हैं तो स्फेरिकल लेंसेज का एक बहुत कॉमन यूज़ होता है वॉच मेकर्स जो घड़ियां बनाने वाले होते हैं जिनको बहुत छोटे छोटे क्योंकि घड़ियों में आपने देखा होगा जो पार्ट्स हैं स्प्रिंग हैं या छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं उनको इतने सावधानी से रखना पड़ता है असेंबली के टाइम पर कि उसको आप नॉर्मल आइज से देख के नहीं कर सकते वो काम तो आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को स्क्रूज को कॉम्पोनेंट्स को आपको काफ़ी बड़ा करके दिखाए काफ़ी मैग्नीफाइड करके दिखाए जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं तो इन्होंने देखिए यहाँ पर एक अटैचमेंट लगी है अटैचमेंट के थ्रू इनकी ग्लासेस के सामने एक और लेंस लगा हुआ है इस लेंस के थ्रू ये देख रहे हैं तो इनको यहां पर जो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट है घड़ियों के वो काफी मैग्नीफाइड दिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये काम कर पा रहे हैं ठीक है सेकेंड डायग्राम यहां पर है यहां पर दिख हैं कि एक बच्चा एक लेंस को यूज करके सूखी पत्तियों में आग लगा रहा है ये एक्टिविटी तो आपने भी शायद बचपन में काफी की होगी ठीक है एक आपके घर में जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है जिससे अब कहीं बहुत छोटा लिखा गया तो आप एक मैग्नीफाइंग लेंस लेके आते हैं उससे उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मैग्नीफाइंग लेंस छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है ठीक है तो वो क्या करता है लाइट को कन्वर्ज करता है जो लाइट इस पर इस तरह से आ रही है सनलाइट इसको कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्ज करने पे एक पॉइंट पे जो सारी लाइट कंसंट्रेट होती है तो उससे बहुत ज़्यादा हीट या टेम्परेचर जनरेट होता है जिससे कि सूखी पतियों में या कागज़ पे या लकड़ी में आग लगाई जा सकती है ठीक है जिसका आप एग्जाम्पल इस डायग्राम में यहां देख सकते हैं तो यहां पर ये यह सूखी पत्तियाँ या लकड़ियाँ हैं और एक मैग्नीफाइंग लेंस से या आप बोलते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस से इसको जलाने की ट्राई हो रही है और आप धुआं भी देख सकते हैं तो ये एक रियल इमेज है अब बात आती है कि फिर लेंस होता क्या है अगर लेंस इतने जगह यूज किया जाता है तो लेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे और लेंस लाइट रेज को कैसे बेंड करता है ठीक है कब वो कन्वर्ज करेगा कब वो डाइवर्ज करेगा मतलब बाहर की तरफ रेज को बेंड करेगा ठीक है और कब अंदर की तरफ बेंड करेगा तो देखिए लेंसेज आप कहां कहां यूज करते हैं अब आप जो कैमरा घर पे यूज कर रहे हैं आपके कैमरा में या मोबाइल के भी कैमरा में लेंस लगाए कुछ इस तरह का लेंस होगा ठीक है आपके जिनसे स्पेक्टिकल्स बनती हैं चश्मे जिनसे बनते हैं वो लेंस कुछ इस तरह के होते हैं छोटे भी हो सकते हैं साइज में बड़े भी हो सकते हैं ठीक है तो ये कुछ लेंसेस की फोटोज हैं तो लेंस के बारे में हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि लेंस क्या है अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल क्योंकि लेंस के थ्रू लाइट तो पास करनी चाहिए तो ट्रांसपेरेंट मटीरियल होगा तो ट्रांसपेरेंट मटीरियल बाउंड बाय टू सर्फेसेस मतलब उसके दो सर्फेस होने चाहिए मिरर में तो हमने देखा था कि मिरर में एक सर्फेस होता है और पीछे से वो उसमें कोटिंग होती है मतलब लाइट उसके थ्रू पास नहीं कर सकती लाइट आती है और रिफ्लेक्ट करके फोकस हो जाती है ठीक है कॉनकेव या कॉन्वेक्स में या तो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी या बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी पर लेंस में लाइट पास करनी होती है तो दो सरफेस होते हैं ठीक है ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसिस आर स्फेरिकल दो सर्फेस में दोनों भी स्फेरिकल हो सकते हैं और कोई एक भी स्फेरिकल हो सकता है जैसे कि ये एक लेंस है दोनों स्फेरिकल हैं ये भी एक स्फेयर का पार्ट है ये भी एक स्फेयर का पार्ट है फिर ये एक लेंस हो गया ठीक है एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया दोनों स्फेरिकल है या हो सकता है कि एक सरफेस आपका प्लेन हो और दूसरा सरफेस स्फेरिकल हो ठीक है इस तरह से भी हो सकता है एक सरफेस प्लेन है दूसरा स्फेरिकल है तो कम से कम बोल रहा है कि ऑफ विच वन और बोथ कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए दोनों भी स्फेरिकल हो सकते हैं ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि लेंस इज बाउंड बाय लीस्ट कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस तो होना ही चाहिए अगर आप उसको लेंस डिफाइन करना चाहते हैं ठीक है इट इज बाउंड बाइ एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस तो अदर सरफेस क्या होगा अगर एक स्फेरिकल है तो अदर होगा प्लेन तो अब इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ये फर्स्ट है इस फर्स्ट एग्जाम्पल में जब आपके पास दो सर्फेस होते हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं मतलब बल्जिंग आउटवर्ड्स ठीक है तो वर्ड जो उन्होंने यूज किया दैट इज टू सर्फेस बल्जिंग आउटवर्ड ठीक है तो आप बोलते हैं कि सर ये दोनों सर्फेस तो कॉन्वेक्स मिरर जैसे ये कॉन्वेक्स है ये भी कॉन्वेक्स है ठीक है तो इसी वजह से इसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं क्योंकि दोनों सर्फेस के आउटवर्ड निकले बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये क्या करता है अब यहां पर ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं दूर से इनको एक पॉइंट पे ये फोकस कर रहा है तो ये सारी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है ठीक है इसलिए इसको क्या कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस ठीक है या कॉन्वेक्स लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं तो जिसको आप जनरली बहुत छोटी छोटी कोई चीज लिखी गई है उसको मैग्निफाई करने के लिए यूज करते हैं या अभी मैंने कहा था कि आग लगाने के लिए यूज करते हैं वो यही लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस ठीक है अब कॉन्वेक्स लेंस में जैसे कि ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है ठीक है ये वाला जो पार्ट है ये एक कॉन्वेक्स सर्फेस है तो ये किसी एक बड़े स्फेर का पार्ट होगा बड़े सर्कल का वैसे ये वाला जो पार्ट है ये भी किसी बड़े सर्कल का पार्ट होगा तो इसमें दो स्फेरिकल पार्ट हैं दोनों स्फेर के अपने अपने सेंटर होंगे तो ये वाला जो फेयर है इसका सेंटर मान लीजिए यहां पे है ठीक है दो स्फेरिकल पार्ट हैं तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दिया हमने सी टू और ये वाला जो सर्कल बन रहा था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दिया हमने C1 तो C1 और C2 को मिलाने वाली जो लाइन है इस लाइन को कहा जाता है फिर प्रिंसिपल एक्सेस ठीक है तो प्रिंसिपल एक्सेस यहां पर क्या हो जाएगी वो लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है ठीक है अब दूसरी तरह का लेंस देखें तो दूसरे लेंस में क्या है ये वाला सर्फेस भी कैसा है कॉनकेव और ये वाला सर्फेस भी कैसा है कॉनकेव इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कॉनकेव लेंस और ये दूर से पैरल आने वाली लाइट रेज को बाहर की तरफ फैला रहा है मतलब डाइवर्ज कर रहा है तो उसको कॉनकेव की जगह और क्या बोल सकते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस ठीक है अब ये ऐसा क्यों कर रहा है क्यों पहले वाले लेंस में लाइट यहां पर कन्वर्ज हो रही है और दूसरे वाले लेंस में बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रही है क्यों क्योंकि एयर से जब लाइट ग्लास में एंटर करती है तो अंदर की तरफ मुड़ती है ठीक है तो यहां सब कुछ जो भी हो रहा है वो रिफ्रेक्शन हो रही है ठीक है तो रिफ्रैक्शन की वजह से ही ये लेंस लाइट को या तो अंदर की तरफ कन्वर्ज करते हैं या बाहर की तरफ डाइवर्ज करते हैं ठीक है तो ये हो गया केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस और इसके केस में भी यह एक बड़े सरफेस का पार्ट होगा यह वाला एरिया और यह वाला स्ेयर भी एक बड़े सर्फेस का पार्ट होगा तो इसके भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यह है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ और दूसरा दूसरी तरफ होगा तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सेस और लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है ठीक है लेंस का जो ये बीच वाला पॉइंट है बिल्कुल सेंटर पे इसको क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ठीक है क्या कहते हैं इसको ऑप्टिकल सेंटर मिरर में जिसको पोल कहते थे अब यहां पर ये चीज हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया ठीक है तो ये हो गया इसका बेसिक नॉमन अब हमने मिरर में पढ़ा था कि जो अपर्चर है जो हम मिरर पढ़ते हैं वो छोटे अपर्चर वाले पढ़ते हैं क्योंकि छोटे अपर्चर में एरर नहीं आता पैरेक्सियल रेज होती हैं और उन सभी का फोकस एक ही पॉइंट पे बनता है तो लेंसेज में भी हम वही करेंगे हम उन्हीं लेंसेज को पढ़ेंगे जिनका अपर्चर छोटा होता है ठीक है ताकि बड़े अपर्चर वाले में कुछ एरर आते हैं रे डायग्राम उतना एक्यूरेट नहीं होता रियलिटी में तो छोटे अपर्चर वाले लेंसेज को ही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज से हम लेंसेज के कन्वर्जिंग और डायवर्जिंग नेचर को समझ सकते हैं ओके थैंक यू